हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बॉम वन बियॉन्ड मिरर्स, जो हमारा सैलून है वहाँ पे कुछ पार्लर का मुझे काम कराना है, इसलिए जा रही हूँ। सो एक गुड न्यूज़ है, हम लोग कल मॉर्निंग को जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं। सो गाइस, कैन यू गाइस गेस के हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं? सो मैं एक हिंट देती हूँ आपको, इट्स क्रिसमस टाइम, तो आप लोग गेस कीजिए कि क्रिसमस टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा सेलिब्रेशन कहाँ पे होता है। सो गाइज, आप लोग तो गेस कर ही चुके हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एग्जैक्टली गाइज, हम लोग जा रहे हैं गोवा। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी, मैं ये तीसरी बार गोवा जा रही हूँ, लास्ट दो बार जब मैं गोवा गई थी मैं नॉर्थ गोवा गई थी, और इस बार जो हमारा प्लान है साउथ गोवा भी हमें थोड़ा बहुत कवर करना है। लेट्स सी क्या होता है। और कल रात को एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मेरे एक स्टाफ का, तो इस वजह से भी थोड़ा परेशान थी, और थोड़ा अर्जेंट बेसिस में ही हमारा ये भी प्लान बना है गोवा जाने का, तो इस वजह से थ्रेडिंग वगैरह और जो भी मेरा हर मंथली पैम्परिंग वाला काम होता है वो नहीं हो पाया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसी वजह से अभी आज अर्जेंटली पार्लर जाना पड़ रहा है, क्योंकि घूमने जा रहे तो थोड़ा सा तो खुद को ठीक ठाक करना ज़रूरी होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रही हूँ पार्लर, वहाँ पे होपफुली अगर मेरे पसंद का हेयर कलर हो जाए तो, और टाइम रहे, सबसे बड़ी बात है टाइम, अगर टाइम रहे तो मैं हेयर कलर कराऊंगी एंड बाकी जो भी चीज़। तो फिलहाल के लिए मैं अभी लेंस कार्ट जाऊंगी कि मेरा ये जो गॉगल है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको ठीक करना है, एंड देन जाऊंगी बियॉन्ड मिरर्स। सो गाइस, स्टे विथ मी एंड कीप वॉचिंग। कोई भी चार्जेस नहीं पे करना पड़ा, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बाजू में एक नया सा शॉप ओपन हुआ है, मैं देख रही हूँ, फूड्स कॉर्नर बोल के, तो वहाँ पे बहुत अच्छा चाइनीज़ बन रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। और दोपहर में आज मतलब लंच नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए भूख नहीं लग रही थी, तो लंच स्किप कर दिया था। सो गाइस, यहाँ पे जो चाइनीज़ बन रहा था उसका टेस्ट बहुत ही ऑसम था। मैंने ऑर्डर किया था चिकन फ्राइड नूडल और साथ में ड्राई चिली चिकन। ड्राई चिली चिकन तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा यमी था। तो खाना खा के अभी मैं रेस्टोरेंट जाऊँगी, देन उसके बाद घर जाऊँगी। हाय गाइस, तो मैं घर वापस आ चुकी हूँ, और आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक था क्योंकि पहले मैं पार्लर गई और हेयर कलर कराया, जिसमें मुझे पूरा 3 घंटे से ज़्यादा लगा, और मेरा फेवरेट हेयर कलर भी हुआ। सो गाइस, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये जो हेयर कलर है मुझ पर सूट कर रहा है कि नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ। और सलमान भाई ने मुझे ये हेयर कलर करके दिया, सो थैंक यू सो मच सलमान भाई, इतना प्यारा सा मेरे पसंद का हेयर कलर करके देने के लिए।
तो आज का दिन, जैसे कि मैंने आपको पता, बहुत हेक्टिक था, क्योंकि आफ्टर सैलून मैं फिर रेस्टोरेंट में गई थी, क्योंकि अगले 5-7 डेज मैं यहाँ पे रह ही रहूँगी। तो फिर कुछ रॉ मटेरियल्स भी स्टॉक करना था, वो सब कुछ करके स्टाफ लोगों से बात करके आई। तो ये सब बहुत सारा काम था, और अभी हो रहे हैं अराउंड 11:30, और रात के 11:30 अभी मैं घर बस वापस आई हूँ। सो अभी पैकिंग करूंगी, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप गोवा जाने वाले हैं तो आपको पैकिंग करने के लिए, मतलब जो चीज़ आपको लेना चाहिए, जो चीज़ नहीं लेना चाहिए, वो सब डिटेल में बताऊंगी। और कल मैं रोड ट्रिप पे जाने वाली हूँ, एक औसम सा रोड ट्रिप होने वाला है। और आज तो मेरा हेयर कलर हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ, और अभी से मुझे गोवा वाइब्स आ रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो गाइज, ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी आपको फिर से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, एक ऑसम से रोड ट्रिप के वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। सो गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।